सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजय और दोबारा से आपका स्वागत है हमारे ही पाठशाला के चैनल पे। एंड बहुत सारे कमेंट आए, फाइनली हमने ये वीडियो का सेकंड पार्ट, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, बट आपने इतने लाइक इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिए। बच्चे कह रहे हैं कि बहुत छोटा टारगेट रखा था सर 100 लाइक का, लेकिन मतलब ठीक है यार, जैसे अभी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत ही जल्दी इस वीडियो को प्यार दिया, दैट इज़ वाई वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए मैं जल्दी बना रहा हूँ। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो का पहला पार्ट जिस रिस्पॉन्स के साथ आपने दिया है, सेम उसी रिस्पॉन्स वही प्यार आपको वीडियो के सेकेंड पार्ट को दिखाना है। और इस बार हम 100 का लाइक का डिमांड नहीं कर रहे, इस बार हम 5, ठीक है ना, 500 अगर ये लाइक आपने हमें दे दिया तो मैं अगले पार्ट के अंदर वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा पूरी की पूरी। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, मुझे 500 लाइक दे दीजिए बस आप इस पे, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि आपका तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आप यूट्यूब के अलावा हमारे साथ क्वेरीज लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम अवेलेबल हैं, आप वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा अगर आपका इन चीज़ों के ऊपर, अगर आपने मुझे कमेंट कर दिया इंस्टाग्राम पे, अगर मेरे को आज 50 कमेंट आ गए या मुझे 50 DM आ गए कि हाँ सर आप पार्ट थर्ड बनाइए, पार्ट थर्ड करके, तो मैं आज शाम तक या कल में ही आपको पार्ट थर्ड दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाके ज्वाइन करिए और जल्द ही मुझे कमेंट करिए कि सर पार्ट थर्ड भी जल्दी अपलोड करिए। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो का दूसरा पार्ट तो अभी खैर आया ही नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मतलब लास्ट टाइम हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी साइट्स थी, इतना सारा हम पढ़ नहीं सकते थे, तो दैट इज़ वाई मैंने क्या करा है कि मैंने आपको इस पार्ट के अंदर हम पूरी तरीके से आपको समझाने की ये कोशिश करेंगे कि जो मोहनजोदारो है, दैट मीन्स इसे टाउन प्लानिंग के शहर के रूप में क्यों माना जाता है, आज हम पूरी तरीके से इस पर डिस्कशन लेंगे और देखेंगे कि इसमें साइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उसके अलावा भी जो चीज़ें कवर हो सकती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने बताया कि जब हम स्पेशल साइट्स के बारे में बता रहे थे हड़प्पा सभ्यता की, तो लगभग इतनी सारी साइट्स हमें देखने को मिली थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी साइट्स को ढूंढा। अब क्योंकि अभी आप 12th क्लास के अंदर हैं तो 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये सारी साइट्स नहीं पढ़नी है, आप जब कंपटीशन लेवल के लिए जाएंगे, आफ्टर 12th क्लास जाएंगे तो आप एडवांस पढ़ सकते हैं, बट 12th क्लास में जितना बच्चों का लेवल है उसके हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदारो के बारे में पूछा गया है, बताया गया है, मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग बताई गई है, क्या है, क्या खास है इसके अंदर, उसके बाद मोहनजोदारो के अंदर बताया गया है कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे वगैरह वगैरह, चीज़ें पूरी कवर करी जा रही हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, धड़ल्ले से कमेंट करना है और ज्वाइन तो ज़रूर करना है हमें इंस्टाग्राम पर, आपको हमारा पेज भी दिख गया होगा। अब यहाँ पे हम 16 साइट्स में से सिर्फ एक साइट के बारे में बात करेंगे, वो है 10वें नंबर पे, जिसे आप मोहनजोदारो बोलते हैं, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जस्ट इस वाले इलाके के अंदर इसको किया हुआ है हमने पॉइंट, ठीक है ना। मोहनजोदारो सभी साइट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स में से आती है, सारे साइट से सबसे इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है, दैट इज़ वाई हम इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मोहनजोदारो के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात क्या है, ये इमेज आपको बुक में नहीं मिलेगी, इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश इसलिए करी जाती है बच्चों को कि उनको बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाए, है ना। तो देखिए दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो है कैथेड्रल, दैट मीन्स जैसे आपने क्या बोला है, किला बोल लीजिए या दुर्ग बोल लीजिए, मतलब ये वो इलाका है जहाँ पर अमीर और रईश लोग रहा करते होंगे, ओके, ये वो वाला इलाका है। दूसरा आपको ये इलाका दिखाई दे रहा है, इसे लोअर टाउन कहा जाता है, निचला शहर कहा जाता है। तो बेसिक सा है, किताब में आपके लिखा भी हुआ है, आप किताब में भी देख सकते हैं, बेसिक, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, कैथेड्रल का मतलब दुर्ग हो गया, क्योंकि ये ऊंचा है और लंबी हाइट पे क्या कहते हैं ये बना हुआ है, आप देख सकते हो इसकी बाउंड्री भी करी गई है, जैसे हाईफाई सोसाइटी होती है ना, उन सोसाइटी में लोकल लोगों को घुसने की परमिशन नहीं होती है और बाउंड्रीज कर दी जाती है ना, सेम ऐसा ही
उस टाइम पीरियड में किया गया था, किसके लिए, कैटेडल दैट मीन्स दुर्ग या किले, जो किलों के अंदर रहते होंगे लोग, उन्होंने ऐसा कर दिया था। उसके बाद लोअर टाउन, क्योंकि ये शहर निचली जगह में बसा हुआ है, आप देख सकते हो इसके कंपैरिजन में तो निचले इलाके में बसा हुआ है ना, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे दो ही, मतलब टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों का ये मानना है कि मोहनजोदड़ो के अंदर टाउन प्लानिंग सारी साइड्स में से सबसे बेस्ट साइड हुई थी। टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, टाउन प्लानिंग का मतलब है शहरों को कैसे बनाया जा रहा है, टाउन्स की प्लानिंग कैसे की जा रही है, वहाँ पे नाली का सिस्टम कैसा होगा, पुलिस स्टेशन क्या होगा, अथॉरिटी किसकी होगी, मतलब जैसे आज की डेट में होता है ना, नया शहर बनता है तो उसमें प्लानिंग करी जाती है, कोई नई बिल्डिंग बनती है तो प्लानिंग करी जाती है, ऐसी पूरा का पूरा टाउन जब बन रहा था हड़प्पा सभ्यता और सॉरी मोहनजोदड़ो के अंदर, तो उस टाइम पीरियड पर सबसे बेस्ट टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो दो ही शहर थे, कौन से दो शहर थे, एक दुर्ग था और आप देख सकते एक निचला शहर था। पेपर में डिफरेंशिएट आ जाता है इनके ऊपर, तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी बनाई हुई है, आप उससे देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। एमसीक्यू की सीरीज भी बनाई हुई है, आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं, काम चल जाएगा। अब यहां पे अगर आपको लगता है कि बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन सा सैंपल पेपर लेना चाहिए, बुक खरीदे या नहीं खरीदे, ऑनलाइन क्लास होगी या ऑफलाइन क्लासेस होंगी, तो देखिए छोटा सा सजेशन बस मेरा ये है कि जब तक कोरोना है तो जब तक कोरोना के टाइम पीरियड में तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी से स्टडी करनी है तो बुक परचेस कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे अभी से स्टडी करके क्या कहते हैं अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एफिलिएट लिंक दिया हुआ है गाइड और सैम्पल पेपर का, जिन बच्चों के लिए मार्केट दूर है, जो बच्चे मार्केट नहीं जा सकते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। मार्केट पास में तो सैम्पल पेपर गाइड सब कुछ आ चुका है, दुकानों में आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे लोअर टाउन था और साथ में कैथेड्रल दैट मीन्स दुर्ग यानी कि बड़ा शहर जो ऊंचाई पे स्थित था वो था। अब क्योंकि इसमें हम लोअर टाउन की ज़्यादा विशेषता बताएंगे, अभी हम कैथेड्रल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो लोअर टाउन की खासियत क्या थी, ब्रिक्स वर इन यूनिफॉर्म इन द साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो ये जो शहर आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे के पूरे निचला शहर, इसमें जो भी घर बने थे ना, जो भी घर बने थे, मतलब देख रहे हो कितने सारे रैंडमली घर बने हुए हैं, ये सारे के सारे घरों के अंदर जो जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, उन सभी ईंटों के साइज की जो ब्रिक्स होती थी वो लगभग एक समान थी। अब यूपीएससी के लेवल में तो आप अभी पढ़ नहीं रहे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यार ब्रिक्स का बताइए, उसकी क्या डायमेंशन वायमेंशन थी, वो नहीं बचाएगा, नहीं पूछेगा आपसे अभी एग्जामिनर। कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे होते तो पूछ भी सकता था, लेकिन अभी नहीं पूछेगा आपसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्रिक्स, यानी कि यहाँ पर जो आपको ईंटें दिखाई दे रही थी वो यूनिफॉर्म साइज में थी, ऐसे साइज थी कि ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी, लोगों ने इस्तेमाल करी थी और सारी ब्रिक्स वहाँ पे एक जैसी पाई गई थी, कोई अलग नहीं थी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखने को हमें मिलता है कि लोगों का ये मानना है कि जो भी लोअर टाउन के अंदर अगर घर मिले थे, उन घरों के अंदर सबूत ऐसा मिला कि वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हुआ करती थी वो कौन कौन सी होती थी भाई, खाना बनाते होंगे घर के अंदर, बिल्कुल बनाते होंगे, विविंग करते होंगे, दैट मीन्स बुनाई उनाई का काम करना, वो तो आज भी महिलाएं करती है घरों के अंदर, कुकिंग भी करती है, साथ में ग्राइंडिंग, अगर कोई मसाला वसाला पीसना हो वो भी होता था, मिक्सिंग, अगर कुछ मिक्स करना है कुछ भी, मतलब ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिली थी। दैट इज़ वाई अगर किसी भी घर की बात कर लीजिए आप, ए टू जेड किसी भी घर की, ए घर की बात कर लीजिए, तो इस घर के अंदर एक्टिविटी तो होगी होगी ना, कुकिंग भी होगी, उसके बाद वेविंग दैट मींस बुनाई कताई, और उसके बाद खाना बनाना, बातें करना, कुछ भी हो सकता है, लोकल है तो ये तो आप सोच सकते हैं। अब यहां पे हमने ये देखा था कि जो भी घर होते थे, ये मैंने एग्जांपल बता दिया, इनका जो आंगन होता था ना, कोर्टयार्ड आंगन, वो विद रूम ऑन ऑल साइड होता था। मतलब इतने डेवलप लोग थे ये लोग कि इनके घरों का आंगन, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इमेज दे दिया आपके लिए, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि इनके आंगन में
ऐसा सिस्टम बनाया जाता था कि घर इनके चारों ओर होते थे और आंगन इनका खाली होता था। आज की डेट में भी हम लोग घर ऐसा बनाते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि यार थोड़ा सा धूप वूप लगे, बच्चे खेले कूदे, तो वो घर के अंदर ही इनका सिस्टम था। ऊपर से उजाला आता था उनके स्कूल कह रहा हूँ मैं, उनके घरों के अंदर उजाला आता था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया गया कि यार लोग कितने मास्टर माइंड थे कि जो आज लोग कोर्स करके ऐसे घर बना रहे हैं, और इन लोगों ने तो कोर्स भी नहीं करा था, लेकिन फिर भी मतलब इनको कैसे पता था कि यार ये सिस्टम करना है हमें, है ना। कोर्ट यार्ड जो होता था इनका, वो पूरी तरीके से इतना वेल सेटल्ड होता था कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा भी इनको, तो वो शॉक हो गए कि यार कैसे बना रही हैं ये लोग, है ना। अब यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जितने भी घर थे सबके अपने खुद के बाथरूम होते थे। बाथरूम यानी कि देख सकते हो ये बाथरूम थे। बाथरूम ऐसा बोला जाता है कि पकी हुई ईंटों से ही बनाए जाते थे। बाथरूम से जिनका वेस्ट मटेरियल आता था वो पूरी तरीके से बाहर की लाइन से कनेक्ट होता था। मतलब जैसे आज की डेट में होता है ना, आपके वॉशरूम में क्या होता है कि आप एक बड़ा पाइप लेते हैं, फिर वो बाहर की नालियों में जाता है, वो बाहर की नालियाँ फिर बाहर में जाके नालों में मिल जाती है, ऐसा होता था। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था। तो आप लोकल आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा पता है इंपॉर्टेंट क्यों था? लोगों का ये मानना था कि ये जो टाउन बसाया गया था ना, टाउन बसाने से पहले यहाँ का पैटर्न पहले सेट कर लिया गया था। जैसे आज भी देख लीजिए, अगर आसपास आपके कोई बिल्डिंग बन रही होगी ना, तो उसका पहले ही स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है। स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है कि यार यहाँ से हम वेस्ट मटेरियल निकालेंगे, यहाँ पाइप पानी का आएगा, यहाँ पे मीठा पानी का पाइप आएगा, यहाँ पे बिजली की तार के खंभियों के लिए लाइन जाएंगी, है ना। पहले से सेट कर लिया जाता है, स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, फिर जाके वो बिल्डिंगें खड़ी करते हैं उसके ऊपर। सेम ऐसा ही यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर बोला गया कि सेम ऐसा ही जब टाउन प्लानिंग करी गई थी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेन रोड, ये मेन रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, मेन रोडों को ऐसे कनेक्ट कर दिया और आसपास इन्होंने घर बनाए। और इसी के अंदर से फिर इन लोगों ने क्या करा कि जो हर किसी के जो घर होंगे, उनके घर का जो वेस्ट मटेरियल होगा, पाइप लाइन जो होगी, वो उनके घर के साथ में एक नाली बनेगी, मिट्टी की एक नाली बनेगी, ब्रिक्स की बनेगी सॉरी, और वो पानी जो होगा बाहर जाके मेन आउटडोर में निकल जाएगा। तो ये सबसे अच्छा था। दूसरा, कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल मिले हैं हम लोगों के पास, या हम लोगों को कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल भी मिले हैं कि स्टेयर केस, दैट मीन्स सीढ़ियाँ, मतलब ये देख रहे हैं सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, सीढ़ी है भाई। कुछ कुछ ऐसे जगह पे हमें प्रूफ मिले हैं कि ये लोग सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। मतलब उस टाइम पीरियड पे सेकंड फ्लोर भी था इन लोगों के पास। देख सकते हो कितना शॉकिंग बात है कि सेकंड फ्लोर भी पाया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हर किसी के पास अपने खुद के कुएं थे पानी पीने के लिए। आज की डेट में तो भैया गर्मी वैसी है, रात के 12-12 बजे तक लोग पानी भर रहे होते हैं। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, शहरों के अंदर तो यही प्रॉब्लम है, लेकिन उस टाइम पीरियड में अर्ली सेटलमेंट हो रहा था, तो हर किसी घर के अपने कुएं थे। ऐसा बोला जाता है, कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जब मोहनजोदड़ो जो साइड मिलती है, कम से कम 700 कुएं मिले हैं वहाँ पे। 700 कुएं, दैट मीन्स यार कितना इन लोगों ने, अब ऐसा लगता है कि इनके हर किसी घर वालों के अपने खुद के कुएं होते थे। आजकल तो गांव के अंदर एक कुआं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे हर किसी के घर में अपना खुद का पानी पीने के लिए कुआं हुआ करता था। सेकेंड फ्लोर तो देख ही लिया हमने, प्रूफ है ना। अच्छा सबसे अच्छी बात ये क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, रोड्स एंड स्ट्रीट इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से रोड्स एंड स्ट्रीट्स को बनाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये देख सकते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये रोड का पैटर्न दिख रहा है ना, ये रोड का पैटर्न है पूरी तरीके से। रोड के पैटर्न में बताया हुआ है कि ग्रिड, दैट मीन्स अच्छी पद्धति से बनाए गए। यहाँ पे ये जो रोड होते थे हर किसी को इंटरसेक्ट करते थे, राइट ट्रायंगल, आपको राइट ट्रायंगल पता है ना, राइट ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल के अंदर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सबसे अच्छी बात थी कि समकोण लेवल पे जितनी भी घर कॉलोनियां होती थी, आज की डेट में भी जो भी कॉलोनी सेट होगी उसमें जो मेन रोड होगा ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट जरूर होगा। और इन लोगों ने सोचो इतने साल पहले, जब ये मैच्योर हड़प्पा सभ्यता हुई थी, जब इन लोगों ने सेटल कर दिया था। सो आई होप यू क्लियर अबाउट द लोअर टाउन, ये लोअर टाउन के बारे में था, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कैथेड्रल, दैट मीन्स दुर्ग के बारे में। तो दुर्ग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है, देखिए ये दुर्ग है, ये ऊंचाई पे स्थित है, तो ये दुर्ग है, ओके। सो यहाँ पर ये आपको ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है, ये जो बाथ
ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदारो, एक ग्रेट बात है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है आपको ये चीज पेपर में, मतलब इस चैप्टर का तो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को बस इतना पता है कि ये जो इस्तेमाल होता था ये पब्लिक गैदरिंग के लिए और रिलीजियस ओकेशन के टाइम पीरियड पे लोग यहाँ पे आते थे। और ऋतिक रोशन की फिल्म देख के बच्चे हंस रहे होंगे कि सर ये क्या लगा दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए, कहीं इसको लेके मजे लेने मत लग जाना। तो सिंपल सा बस ये है कि आप इसे देख के समझ लीजिए कि इस टाइम पीरियड पे ग्रेट बात का इस्तेमाल वहाँ पे रिलीजियस बेस पे और कोई पब्लिक गैदरिंग हो रही है तो उसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तो अब देखिए मैंने ना ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिटेल नहीं भरी है ताकि आपको कन्फ्यूजन सा ना लगे, बस इतना सा ये बताया हुआ है कि ये जो ग्रेट बात है ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने के लिए दोनों एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट हुआ करते थे, और साथ में यहाँ पे आसपास कमरे बने हुए थे चेंजिंग रूम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका पानी निकलता था, पानी निकलने के लिए एक अलग जगह बनाई हुई थी, ये देख सकते हो आप इसमें बना हुआ है, यहाँ से पानी निकल के इस कुएँ के अंदर जाके वो अलग चला जाता था। तो वो मतलब आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो ग्रेट बात है ना, ये पूरे दुर्ग का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको कुछ पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, लेकिन ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ओके, पढ़ेगा पढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट जो थी, जो कन्फ्यूजन वाली लगती है बच्चों को, वो ये थी कि जो टैंक बनाया गया ना, ये टैंक जो बनाया गया, इस टैंक को जब ये पानी यहाँ पे रुकता था, क्योंकि आज की डेट में तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी क्या है, वो टाइल से कवर कर देते हैं, चिपकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इन लोगों के पास जिप्सम और मोटर करके क्या कहते हैं, ये एक तरीके का पदार्थ होता है, आप देख सकते हो पुराने समय में जब ईंटें बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, तो कुछ ऐसे जोड़ा जाता था। तो उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे पानी को रोकने के लिए इन लोगों ने जिप्सम, एक तरीके का पत्थर होता था, ये इनके यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं होता था, पर ये दूसरी जगह पे जाके लेके आते थे, दूसरी जगह पे लेके आते थे। तो इससे ये भी क्लियर होगा कि हाँ यार बिजनेस भी करते होंगे ये लोग, है ना, बिजनेस भी करते होंगे, मतलब देख रहे हो इतना तगड़ा है कि बिजनेस भी करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इस हिसाब से यहाँ पे पानी को बिल्कुल सही तरीके से वाटर टाइट कर दिया जाता था। वाटर टाइट का मतलब होता था इस जलाशय को, इस जल कुंड को ऐसे बांध दिया जाता था कि पानी कहीं और जाएगा ही नहीं। जब तक इसमें काम चल रहा है, जब तक रिलीजियस चीज़ें हो रही है या पब्लिक गैदरिंग हो रही है या लोग वहाँ पे आके धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं और कुछ भी सोच लो आप। तो यहाँ पर मतलब रिलीजियस बेस पे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसे, और यहाँ पे बाद में फिर इसका पानी निकाल दिया जाता था। तो इसके प्रूफ मिले हैं, इसके प्रूफ मिले हैं हमें, दैट इज़ वाई इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसकी क्या विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें ग्रेनरीज भी मिली थी, ग्रेनरीज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग अनाज उनाज स्टोर करते थे, ओके। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ पढ़ो मत पढ़ो, इसकी तरफ देखो मत देखो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेट बात तब क्या था, ओके। नेक्स्ट अब बात करेंगे पूरे के पूरे कहाँ पे, मोहनजोदारो या लोथल या कहीं पे भी, वहाँ सब का ड्रेनेज पैटर्न बहुत खतरनाक था। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है जल निकास प्रणाली, जहाँ से जल निकास होगा। तो ऐसा प्रूफ हमें मिलता है कि ये जो हड़प्पन सिटीज थी वो पूरी अच्छी तरीके से वेल प्लान्ड थी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। आप ये इमेज देख सकते हो, यहाँ से अंदाज़ा लगाया गया कि जो घर की नालियाँ होती थी उसके बाद नालियाँ मेन छोटे नालों से मिल जाती थी, और ये जो छोटे नाले होते थे बाद में जाके आउटसाइडर में जाके कहीं सोखता बनाया जाता होगा जहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है। आज की डेट में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने घर से एक छोटा पाइप निकालते हैं जो बाहर सीवर से कनेक्ट होता है, सीवर वाला जो कनेक्ट होता है वो बाहर जाके क्या कहते हैं मेन नालों में मिल जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे था, यहाँ पे कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होते थे, मतलब गली जो होती थी उसके जो नाले होते थे उससे कनेक्ट होते थे, और यही पत्थर का वही इस्तेमाल किया जाता था। सेम यूनिफॉर्म शेप में वो मिट्टी से बनाए हुए जो पत्थर होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता। सीवरेज हर किसी घर में हुआ करते थे, ये मैंने आपको पहली इमेज दिखा दी है। और दूसरी बात ये थी कि ये सारे की सारी जो सीवरेज होती थी ना, खुली नहीं होती थी। आज की डेट में तो आपके अगर सीवरेज जा रहा होगा तो वो पूरी तरीके से पाइप से कवर होगा, सीमेंट होगा ऊपर, मिट्टी
मिट्टी होगी ऊपर, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये जो होती थी नालियाँ, इसको ढाँक दिया जाता था। किससे? ईंटों से ढाँक दिया जाता था, ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो बहता हुआ दिखाई देना बुरा लगता है। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए जो आपको कमेंट करके मुझे बतानी है, वो ये बतानी है कि अगर इनके घरों के अंदर से वेस्ट मटेरियल जो बाहर आता था, वो जो पाइपें बनती थी, जो पाइप होती थी, वो कौन सी उसकी बनाई जाती थी, कौन सी मिट्टी से बनाई जाती थी? ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया हुआ है। पाइप बनाई जाती थी पहले, और वो मिट्टी से ही बनती थी, लेकिन वो मिट्टी कौन सी होती थी वो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई 500 लाइक का टारगेट दिया है मैंने आप लोगों को, 500 लाइक इस वीडियो पे आने ही आने, अदरवाइज वीडियो का अगला पार्ट मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। ओके, इस लेवल का पार्ट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, तो 500 लाइक तो चाहिए ही चाहिए मुझे इस वीडियो पे। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये वेरी लॉन्ग ड्रेनेज कैनल सिस्टम, ये वही वाला है जो मैंने बताया कि इससे पता चला इन लोगों को कि यार इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम इतना बड़ा था कि इन लोगों ने पानी को बाहर निकालने की क्रियाओं के लिए ये इस्तेमाल किया था, है ना। तो ये जल निकास प्रणाली जो है, ये आप मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल सबकी विशेषताओं में से, फीचर्स में से लिख सकते हैं। और लिखने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी तरीका बता दिया है, वह वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। ओके, तो अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश ही। अच्छा, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको नहीं बताई कि जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी, जितने भी पाइप वाइप कवर हो रही है, जो भी चीज़ें कवर हो रही है, वो इन सब चीज़ों से बनाई जा रही थी। अच्छा, दूसरा, अब यहाँ पे अगर बात करें कि इतना बड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इतने बड़े इलाकों के अंदर ये कवर हो रहा है, तो जो मोहनजोदारो था उसमें ये सारे प्रूफ हमें बहुत सारी साइट्सों में मिले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि टाउन प्लानिंग, साथ में जल निकास प्रणाली, या साथ में मैं कह सकता हूँ इनके लोगों का लेवल कैसा था, रिचुअल्स कैसा था, बस्तियाँ कहाँ कहाँ पे, इन चीज़ों की प्रूफ हमें मिली है। तो भाई बस्तियाँ तो छोटे आकार की थी, बड़ी इमारतें तो नहीं पाई जाती थी, लेकिन ये सारे मैंने सिलेक्टेड बता दिए, कालीबंगन, लोथल, है ना, सुर कोता, और उसके बाद बनावली एंड धोलावीरा, ये वो सारी साइट्स है जहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिला है। तो ये सारे मैंने वो भी बता दिए, टाइमलाइन, किस किस बंदे ने क्या क्या ढूंढा था, कहाँ कहाँ पे, कब क्या क्या पाया गया था, ये सारे प्रूफ हमें कहाँ मिले, इन सारी साइट्स में मिले। बुक के अंदर इतना डिटेल में आपको बताया ही नहीं जाएगा, आप बुक पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, लेकिन उसमें से इतना सारा कॉन्टेंट आपको समझने में आएगा ही नहीं, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। इतना क्लियर हो गया आपको, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखने के बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली टाइम पीरियड में देखिए, जैसे सोसाइटी होती है, अब सोसाइटी में कितने कितने टाइप के लोग होते हैं। आज की डेट में जेब में आपके पैसा है तो लोग आपसे पूछेंगे कैसा है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ लिविंग बंदों का पैसों से तय किया जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, वो अमीर थे, गरीब थे, या कैसे थे, इनके बारे में हमें पता करने के लिए, सोशल डिफरेंसेस पता करने के लिए, हमने एक अलग अलग चीज़ों को तय करा। हमने पता लगाया कि इन इन तरीकों से ये पता लगाया जा सकता है कि ये लोग जो हुआ करते थे, ये लोग किस टाइप के हुआ करते थे, मतलब इनका सोशल स्टेटस कैसा था, इनकी सोच कैसी थी, ये किस आइडियोलॉजी में जी रहे थे, भगवान को मानते हैं थे, नहीं मानते थे, पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे। तो उसकी स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करने के लिए हमने बहुत जगह, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका खुदाई चालू करवाई, और उन्होंने इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाया। किन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया? दो चीज़ों से। कौन सा? एक तो उन्होंने कब्रगाह जिसे आप ब्रूरियल्स बोलते हैं, इनके बारे में स्टडी करा, और दूसरा है आर्टिफैक्ट्स, दैट मीन्स कलाकृतियाँ, या वहाँ पे जो जो चीज़ें पाई गई थी, उससे अंदाज़ा लगाया गया कि कौन से राज्य अमीर थे, गरीब थे, किन की सोच कैसी थी, कौन से भगवान को मानते थे, उसके बाद कैसी पूजा करते थे, किन में बिलीव करते थे, वो इन दोनों चीज़ों से पता लगाया गया। ओके, सो ये मोहनजोदारो फिल्म का डायलॉग है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि वहाँ लोग नहीं, लोभ और लालच बसते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में इस फिल्म में देखोगे तो उसने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी हुई है, तो इसलिए मैंने इस इमेज का इस्तेमाल करा ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो भाई एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चंस पूछने हैं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट हमारे लिए हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप वहाँ जाके कुछ भी क्वेश्चन करिए, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो दो चीज़ पढ़ेंगे और वीडियो हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे कब्रगाह, तो बहुत से IIT स्टूडेंट्स अभी भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि ये जो सभ्यता थी 2600 BCE के टाइम पीरियड की नहीं थी, इससे पहले से ये सभ्यता बसी हुई है। इन लोगों ने इसको भी प्रूफ करके दिखाया है, लेकिन वो तो चलो अलग बात है। लेकिन अब हम कब्रगाह के बारे में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें ये पता चला कि ये लोग क्या करते थे कि मरने के बाद ना, मरने के बाद ये लोग क्या करते थे, जो प्रीशियस थिंग्स होती थी ना, प्रीशियस दैट मीन्स कीमती चीज़ें, वो ये क्या करते थे, डेड बॉडी के साथ ही दफना दिया करते थे। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, इनका ये मानना था कि मरने के बाद भी उस टाइम पे बंदा जो है इसका इस्तेमाल करता होगा। ये आइडियोलॉजी है, इससे पता चला। आज की डेट में भी आप ऐसा करते ना, किसी की डेथ हो जाती है, कपड़े वपड़े हम लेके जाते हैं और वहीं पे हम छोड़ देते हैं ना दह संस्कार करने के लिए। सेम ऐसा ही पुराने टाइम पीरियड में ऐसा होता था कि ये लोग क्या करते थे कि प्रीशियस थिंग्स, जैसे कि मतलब जैसे कि क्या करते थे ये लोग, ऑर्नामेंट्स है, पोइट्रीज है, ज्वेलरीज है, कॉपर जी मिरर भी हमें देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इमेजेस में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उन लोगों ने इस्तेमाल करी थी। ये जो क्या करते थे, अमीर और गरीबों को हमें ऐसे पता चलता था, जिनकी लाशें हमें नॉर्मल मिल जाती थी उससे हमें पता चलता था, बॉडी सॉरी जिनकी बॉडी हमें नॉर्मल मिलती थी उससे हमें पता चलता था कि ये गरीब है बंदा। जिनकी बॉडियों के साथ अगर हमें ज्वेलरी मिल रही है और उसकी जो कब्र थी अगर वो पक्की ईंटों से बनाई गया है तो इसका मतलब ये बंदा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे हमने अंदाजा लगा लिया क्योंकि इनका बस इतना सा बिलीव था कि आफ्टर लाइफ यूज्ड करी जाती है चीज़ों को, दैट इज़ वाई इन लोगों ने इनको साथ में से दफना दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। गड्ढे जो थे उस टाइम पीरियड पे पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे और वो ईंटें वही होती थी जो यूनिफॉर्म शेप में वहाँ पे पाई जाती थी। तो इतना क्लियर हो गया। दूसरा, इससे हमें पता चल गया, इनकी सोच पता चल गई कि ये लोग जलाने में बिलीव नहीं रखते थे, दफनाने में बिलीव रखते थे। तो इसीलिए कब्रगाह, वहाँ पे कब्रिस्तान जैसी चीज़ें बहुत जगह पाई गई, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बहुत जगह पाया गया ये सारा सिस्टम। और वहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स दोनों के लिए, याद रखना, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए ही चीज़ें दी जाती थी साथ में, मेंस और वुमेन्स कोई भी हो। दूसरी बात है यहाँ पे कलाकृति के बारे में, दैट मीन्स आर्टिफैक्ट जो मिलते थे या तो उपयोगी होते थे, उपयोगी मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ पोइट्री हो गया, नेडल सुई हो गया, फ्रेश रबर, दैट मीन्स आपको जैसे शरीर में स्क्रबिंग करने के लिए नहाते समय उसका इस्तेमाल करते हैं पत्थरों का, वो कुम्हारों की दुकानों पे आज भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हमें मिली, इससे हमें पता चला कि इन इलाकों के अंदर ये लोग इनका भी इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा, हमें लग्जीरियस चीज़ें मिली, लग्जीरियस चीज़ों के अंदर हमें इत्र की बोतल मिली, जिससे हमें पता चला कि यार ये इलाकों में इत्र की बोतल है, दैट मीन्स यहाँ पे तो परफ्यूम का इस्तेमाल भी होता था, और परफ्यूम का इस्तेमाल होता तो यार वो तो रेयरली बहुत ही महंगे लोग जो होते हैं वो इस्तेमाल करते होंगे। कुछ ऐसे हमें फाइनेंस ग्लास के पात्र मिले, इससे हमें पता चला कि ये तो चीनी मिट्टी से बनाया होता था, इतने अमीर लोग तो ये थे नहीं कि हर किसी के पास ये चीज़ें आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि यार इन लोगों की सोच कैसी थी। दो चीज़ें पॉइंट आउट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को लिख लीजिएगा, कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट में बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वीडियो कैसी लगी ज़रूर रिस्पॉन्स करिएगा। 500 लाइक का टारगेट दिया है हमने आपको, तो वो लाइक जल्द ही पूरे हो जाने चाहिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल के अलावा Instagram, Facebook, इनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। Instagram पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ मैं आपका रिप्लाई करने का कोशिश ज़रूर करूँगा। जब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जल्द ही मिलेंगे आप वीडियो के तीसरे पार्ट में। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिन जिनको इसकी ज़रूरत है। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।